नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जिसने 1975 से लेकर के अब तक सभी के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। फिल्म के गाने तो हिट हुए ही, साथ ही डायलॉग्स भी फिल्म के सुपर हिट गए। हम बात कर रहे हैं 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले की। शोले की चर्चा आज इसलिए की जा रही है क्योंकि शोले जब हिट हुई बॉक्स ऑफिस पर, शोले को अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बाद शोले की कॉपी में ही 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 फिल्में बनाई गई। इन फिल्मों में कई तो धर्मेंद्र और अमिताभ एक साथ नज़र आए, किस में अमिताभ अकेले नज़र आए और किसी में अलग किरदार को जगह दी गई। लेकिन ये 6 की 6 फिल्में शोले को टक्कर नहीं दे पाई और ये 6 फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हो गई। इसमें हेमा मालिनी का किरदार भी कॉपी किया गया, तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी को एक बार फिर से ऑन स्क्रीन दिखाया गया, लेकिन शोले की कहानी को किसी ने भी मात नहीं दी और 6 फिल्में लगातार बैक टू बैक फ्लॉप साबित हुई। वो कौन सी 6 फिल्में हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, देखिए ये रिपोर्ट। साल 1975 में बनी फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म है जिसको भूल पाना शायद ही दर्शकों के लिए मुमकिन होगा। आम जिंदगी में भी शोले के कई डायलॉग्स मुंह पर आ जाते हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को भूल नहीं पाते। इस फिल्म से कई डायरेक्टर्स प्रभावित हुए थे, यही कारण है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में इस फिल्म के कई किरदार और डायलॉग्स को कॉपी करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले फिल्म के निर्माता रमेश सिप्पी ने भी इस फिल्म का सीक्वल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं पाए। और ना केवल रमेश सिप्पी बल्कि जितने भी डायरेक्टर्स ने शोले को कॉपी करने की कोशिश की, उनका करियर खतरे में पड़ गया। दरअसल शोले के सीक्वल के रूप में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 फिल्में बनाई गई, लेकिन कोई भी फिल्म शोले को टक्कर ना दे सकी। यही वजह थी कि लाखों करोड़ रुपए गवा दिए उन डायरेक्टर्स ने जिसने शोले बनाने की कोशिश की। इसमें नाम रमेश सिप्पी का भी सामने आता है। आज के इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी फिल्म थी जिसने शोले को कॉपी तो किया लेकिन शोले को टक्कर नहीं दे पाई। शोले फिल्म पर बनाई गई सबसे पहली फिल्म रायगढ़ में शोले थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की डुप्लीकेट विजय सक्सेना, गोविंदा की डुप्लीकेट नवीन राठौर और देवानंद के डुप्लीकेट किशोर भानुशाली मुख्य भूमिका में थे। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई, लेकिन इस फिल्म के किरदार और स्टोरी शोले से काफी प्रभावित थे। अगली फिल्म थी सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली दूसरी फिल्म थी जिसने शोले को कॉपी करने का प्रयास किया था। ये फिल्म सुरमा भोपाली के किरदार पर आधारित थी। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार जगदीप निभा रहे थे, लेकिन इस फिल्म को खुद जगदीप ने बनाया था। उन्होंने इसमें खुद का भी काम किया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और रेखा को भी इस फिल्म में कास्ट किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जय और वीरू की जोड़ी इस फिल्म में काम नहीं कर पाई। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के होते हुए भी इस फिल्म ने ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया और शोले को ये फिल्म टक्कर नहीं दे पाई। राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में हिट दी हैं। उन्होंने भी शोले को कॉपी करने की कोशिश की थी। उन्होंने शोले पर फिल्म बनाई। राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी आग। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी अभिनय किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद दर्शकों ने सिनेमा घरों में माथा पीट लिया था इस फिल्म को देखने के बाद। हैरानी की बात तो ये है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के होते हुए भी ये फिल्म चल नहीं सकी। शोले के एक बेहद मजबूत किरदार बसंती पर भी फिल्में बनी हैं, जिसका नाम बसंती तांगेवाली था।
इस फिल्म में बसंती के किरदार के बेहद मजबूत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन किरदार को मजबूत दिखाया तो मगर फिल्म धमाल नहीं बचा पाई। फिल्म के डायरेक्टर कांति शाह थी, उन्होंने बेहद मेहनत करके इस फिल्म को बनाया था, लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो धमाल नहीं मचा पाई। बॉलीवुड की नॉर्मल फिल्में ही नहीं बल्कि शोले पर तो एडवेंचर एनिमेशन ने भी किया। बच्चों के लिए शोले एडवेंचर बनाई गई। ये फिल्म एनिमेशन में थी तो बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई, लेकिन इस फिल्म ने भी उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं की। बच्चों के दिलों में आज भी जो असली शोले हैं वो ही ज़्यादा फेमस है। शोले पर एक और फिल्म बनी जिसका नाम था द शोले गर्ल। फिल्म के स्टंट बिल्कुल शोले के जैसे थे। फिल्म में स्टंट गर्ल रेशमा पठान की बायोग्राफी दिखाई गई थी। रेशमा पठान ने फिल्म शोले में हेमा मालिनी को स्टंट सिखाया था, इसलिए इस फिल्म का नाम शोले गर्ल रखा गया। ये फिल्म Z5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म ने भी कोई भी कमाल नहीं दिखाया। तो ये फिल्में थी जिन्होंने शोले की कॉपी तो की लेकिन शोले को टक्कर नहीं दे पाए। अब कहानी का दम कह लीजिए या फिर जय और वीरू की जोड़ी, गब्बर हो चाहे ठाकुर या बसंती, शोले के एक एक किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जय और वीरू की इस जोड़ी ने दूसरी फिल्मों में वैसा कमाल नहीं दिखाया था, तो ऐसा कहा जा सकता है कि फिल्म की कहानी इतनी मजबूत थी और डायलॉग्स इतने बेहतरीन थे कि इन कलाकारों ने जब उन डायलॉग्स को बोला और कहानी के साथ अभिनय किया तो कहानी फेमस हुई। शोले बॉक्स ऑफिस पर हिट गई, लेकिन जब उसकी कॉपी करने की कोशिश की गई, डायलॉग्स में फेरबदल और कहानी में फेरबदल करने की कोशिश की गई, तो वो कहानी शोले को टक्कर ना दे पाई। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।